हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो आज 8 अक्टूबर है, दैट इज इंडियन एयरफोर्स डे। सो आप सभी को हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे टू ऑल द सोल्जर्स, ब्रेव हार्ट्स जो हमें सर्व करते हैं, मैन इन ब्लूज। सो उन सभी की फैमिलीज को, सपोर्टिंग फैमिलीज को, सभी को हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे मेरी साइड से। सो आइए आज अब शुरू करते हैं आज का हिंदू एनालिसिस। तो आपने जो थंबनेल पे भी न्यूज देखी होगी, इसराइल एट वॉर स्टेट, बेसिकली इसमें आपने कल देखा होगा और सुना होगा, काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, पढ़ाओ कि इसराइल के ऊपर जो है आपके जो गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप है, यहाँ से 5000 रॉकेट्स जो है फायर्ड हुए थे। देखो इनका ना चलता रहता है क्लैश हमेशा, इसराइल पैलेस्टीन का इशू, लेकिन हमारे लिए ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसका जो है बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, ऐसा हो क्यों रहा है और कब से हो रहा है, क्योंकि इनका ये जो है हर ऑल्टरनेटली मतलब मंथली चलता ही रहता है ये चीज। तो देखो सबसे पहले जो इसराइल है उन्होंने अपने आप को एट वॉर स्टेट में डिक्लेयर कर दिया है आफ्टर जब ये सब हो गया इनका। यहाँ पे जो आपके जो गाजा पट्टी है ना, जो गाजा स्ट्रिप है, इस पे अभी जो रूल कर रहे हैं वो है हमस, ठीक है, हमस इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और इसराइल जो है, ये जो बचा हुआ एरिया इसराइल का, ये इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। अभी एट प्रेजेंट इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे पैलेस्टीन रहते हैं आपके इस एरिया में, इसको हम वेस्ट बैंक एरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जॉर्डन सीरिया ऊपर इस कंट्री से अबव, ठीक है, और ये आपकी गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे भी आपके पैलेस्टीन ही रहते हैं। और इन्होंने ये बीच में इसराइल है, यहाँ पे इनके ऊपर 5000 रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, ये इन्होंने कल इसके ऊपर छोड़ दी। तो अब देखो जब स्टार्टिंग में 1946 में आपके इस तरीके से कुछ ये बना था, मतलब इस तरीके से फॉर्म हुआ था, यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में इसराइल थे इनका जो मैप था, और यहाँ बाकी एरिया में पैलेस्टीन थे, ठीक है। लेटर ऑन 1947 से 67 में क्या हुआ, पैलेस्टीन आपके बहुत कम रह गए, तो सिर्फ इस एरिया में और इस एरिया में रह गए, पूरा इसराइल ने ले लिया, ठीक है। लेटर ऑन अभी 2010 तक आते आते आपके पैलेस्टीन यहाँ रह गए, सिर्फ इस एरिया में, वेस्ट बैंक वाले में, और यहाँ रह गए जो आपकी गाजा स्ट्रिप है, बाकी पूरा आपके में इसराइल से रहते हैं, ठीक है। 2010 तक सिनेरियो, एट प्रेजेंट आपका जो है 2023 का वो ये वाला है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी डिमांड है बेसिकली पैलेस्टीनियंस की, यहाँ से जो रॉकेट्स आए थे, कि आप जो है आपकी इसराइल की जो जेल में पैलेस्टीनियंस बंद है, हमारे साथी बंद है, उनको आप छोड़ दो, ठीक है, और उनको फ्री करो, अपने पास मत रखो, ये इनकी डिमांड है, यही इनकी हमेशा चलती रहती है। सिमिलरली पैलेस्टीनियंस की जेल में भी इसराइल के ऑब्वियसली पर्सन बंद रहेंगे, तो इनका इस बात पे क्लैश होता रहता है। इसराइल के पास अपना एक आयरन एंड डोम सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मिसाइल्स आती है तो ये इसको हवा में डिटेक्ट करके शूट कर देता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो इतनी ज्यादा मिसाइल आ रही है एक साथ आ रही है साइमल्टेनियसली, तो इनका जो आयरन एंड डोम सिस्टम है वो भी कंफ्यूज हो गया कि किसको शूट करे और किसको ना करे, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर होता है इतनी ज्यादा एक साथ मिसाइल भेजना, तो इस वजह से आपने देखा होगा वीडियोस में वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रही है। उनके पास अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम था, बट वो भी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है ना, ये इनका इशू था। और जो ये ऑपरेशन है, इसका जो नाम दिया गया है पैलेस्टीनियंस ने, वो नाम दिया आपका अल अक्सा स्टॉर्म। बेसिकली अल अक्सा आपके एक वहां पे मोस्क है, ठीक है, और वहां की ही मोस्क के ऊपर इन्होंने अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दे दिया। आई होप आपको फैक्चुअल एनालिसिस क्लियर हुआ होगा कि पहले कैसे पैलेस्टीनियंस रहते थे पूरे एरिया में, फिर धीरे धीरे वो कम होते गए, इसराइल ने कब्जा कर लिया, इसराइल बढ़ गया, ठीक है, एरिया में और पॉपुलेशन में, और पैलेस्टीनियंस जो है बिल्कुल थोड़े थोड़े एरिया में रह गए, और अब वो चाहते हैं इनको इनकी टेरिटरी, एरिया, पर्सन वापस मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं, और हाँ, ऑफिशियली पीएम मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि जो हमारी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, वो इसराइल के साथ है, इनके साथ खड़ी रहेगी इनके बुरे समय में। सो यही अभी न्यूज थी, आगे इसके बारे में फर्दर क्या होगा तो हम दोबारा से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज है जीएसटी के ऊपर। बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था 1 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन गेमिंग हो गए, जैसे इन पे 28% टैक्स इंक्रीज कर देंगे, मिलेट्स जो आ रहे हैं इन पे कम कर देंगे, तो मतलब कुछ पे इंक्रीज करेंगे, कुछ पे डिक्रीज करेंगे। तो हमें ये पढ़ना है जीएसटी क्या होता है, उसकी बैक इन्फॉर्मेशन। जीएसटी एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर ये एक पेन है, ठीक है, तो इसपे अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो मान लीजिए 8 रुपीज की है, और इसपे फर्दर 2 रुपीज जो है जीएसटी लग गया है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। लेकिन जैसे जो सैलरी होती है, इनकम होती है, उस पर आपका जो है डायरेक्ट टैक्स जो है कट के आता है आपके अकाउंट में, ठीक है।
तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका कब आया था, फ्रॉम 1st of July 2017 में आया था। इससे पहले बहुत टैक्स होते थे वैट इस तरीके से आपके, और ये आपके 5 slabs होते हैं इसमें, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो सबसे हाई टैक्स इन्होंने लगाया है आपके गेमिंग्स के ऊपर। अब इसका फैक्चुअल पॉइंट क्या रहेगा कि जीएसटी काउंसिल 279A आर्टिकल के अंडर आती है, ठीक है। ये आपका जो ज्वाइंट फोरम होता है जिसको प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, इसके चेयरमैन रहते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी है। इसी के साथ हमारे एक जीएसटी ट्रिब्यूनल रहता है कि कोई भी केस है रिगार्डिंग दिस, तो पहले वो जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाएगा। और ये आपकी जीएसटी काउंसिल है जो आपके डिसीजन लेते हैं, टैक्स इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इस तरीके से, ठीक है। आर्टिकल 279A है। देन हमारा है मलेरिया वैक्सीन के ऊपर, ये हमारा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी के पेपर से यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट है, और वन डे एग्जाम्स के लिए आपको वैक्सीन पता रहनी चाहिए। और मलेरिया किससे होता है, सो बेसिकली आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट होता है, हम अपने पहले भी न्यूज कवर कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज रिविजन हो जाएगा। और फीमेल एनाफिलिस मस्किटो जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें क्या होता है आपका 247 मिलियन केसेस जो थे 2021 में देखे गए थे, जो ऑलरेडी मलेरिया से सफर कर रहे थे, ओके। और इसमें आपका R21 Matrix-M, ये आपकी वैक्सीन होती है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप की है। इसमें अभी ये जो वैक्सीन है नई, इसी वजह से ये न्यूज में है, इसको लाइसेंस मिल गया है घाना, नाइजेरिया और बुर्किना फासो में, वहां पे ये टेस्ट की जा रही है। WHO ने इसको रिकमेंड कर दिया है, वहां पे इसके ऑल सक्सेसफुल ट्रायल्स रहते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब इस वैक्सीन के अंदर एक स्पेसिफिक एडजुवेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है सेपोनिन, ठीक है। सेपोनिन क्या होता है आपका, ये एक एडजुवेंट मतलब एक आप प्रोडक्ट मान लीजिए जिसकी वजह से इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इसको नोवावैक ने बनाया है, ठीक है। और सेपोनिन जो है हमारी बॉडी में जाने के बाद जो इनिशियल इम्यूनिटी होती है उससे जो है ज्यादा इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देता है, ताकि जब इसका इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन असर ना कर पाए हमारी बॉडीज पे। WBCs को इतना मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। जो ये कंपाउंड है मिलता कहाँ पे है, क्विलाजा नाम का एक ट्री होता है जो आपका बेसिकली चिले साइड में ज्यादा मिलता है, वहां पर उस जो ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है, क्विलाजा ट्री की जो बार्क है, वहां से हम सेपोनिन कंपाउंड को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आप अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हो पेड़ की छाल से, तो वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। R21 Matrix-M जो है आपकी वैक्सीन का नाम है। सो आज के एनालिसिस में इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, एक आपका एडिटोरियल था, मतलब बेसिकली हंडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक के जो पेजेस आते हैं उसमें एक प्लास्टिक के ऊपर था, प्लास्टिक के ऊपर यही था कि हमें प्लास्टिक की पॉलिथीन जो है वो बहुत ज्यादा आपका पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और आपको पता है अगर एक वाटर बॉटल जो है आप उसको ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है, उसको जो है आप एक तरीके से डिके नहीं करते हो, तो 261 ईयर्स तक आपका अप्रोक्सीमेट वो एनवायरमेंट में सर्वाइव करती है, जिससे कितनी ज्यादा हार्मफुल चीजें रिलीज होती है। तो बेसिकली हमें जो है प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग्स हो गई, कम से कम उनको यूज करना चाहिए, ठीक है। पेपर बैग यूज कर लो, जूट बैग यूज कर लो, उससे हमारे एनवायरमेंट को जो है हार्म नहीं होगा। एक आपका जो था आर्टिकल इसके ऊपर था। बाकी आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।